आज बेटा लेक्चर नंबर 27 में आपको हम लेकर आए हैं यूज ऑफ माइट बी। माइट बी का प्रयोग, इसकी आईडी होती है, आईडी लिखेंगे यानी पहचान, शायद ही रहा होगा, यानी शायद ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी जिन हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे और शायद भी लगा होगा, उसके लिए हम माइट बी का प्रयोग करेंगे। रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये होता है बेटा इसका रूल, ठीक है। और MB4 का मतलब होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना, जैसे शायद ही वह स्कूल जा रहा होगा, शायद ही वह स्कूल जा रहा होगा, तो पहले सब्जेक्ट ही माइट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, शायद वो है खाना बना रही होगी, तो बेटा सी माइट बी कुकिंग द फूड, ठीक है। इसमें चाहे आपका कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, माइट बी का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था आनी है। इस रूल को समझें, ठीक है, और नोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।